सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं फाइनली महिमा की असलियत सभी के सामने आ गई है और कायरा और मनीष गोयनका निर्दोष साबित हो गए हैं, लेकिन इन सब में अभिमन्यु खुद को दोषी मान रहा है। अब ऐसे में वो अक्षरा को किस तरह मनाएगा और सीरियल में कब तक आरवी की असलियत सामने आएगी, उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे अभिमन्यु पूरी मीडिया और पुलिस के सामने वो सीसीटीवी फुटेज रख देता है जिसे महिमा ने छुपा कर रखा है और अब सारे फैमिली वाले महिमा पर बरसते नजर आ रहे हैं और महिमा खुद की गलती मानने के बजाय सभी से गुस्सा करती दिख रही है। लेकिन इन सब में अभिमन्यु खुद की गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती मान रहा है और अब अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से गोयनका फैमिली और अक्षरा से माफी मांगे। और अब आपको सीरियल की कहानी में अभिमन्यु स्पेशल तरीके से अक्षरा से माफी मांगता नजर आने वाला है और आपको अभिमन्यु और अक्षरा के बीच रोमांटिक मूवमेंट भी देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इन्हीं सब के बाद अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर आरोही की असलियत को नील के सामने लाते दिखने वाले हैं। आप अक्षरा और अभिमन्यु के इन मूवमेंट्स को देखने के लिए एक्साइटेड हैं नहीं, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।